सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद शोभिक चैनल को और सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल। जैसे कि ऑलरेडी थंबनेल में आप लोगों को पता चल चुका है, आरआरबी एनटीपीसी के CBT 1 के एग्ज़ाम जो है फाइनली होने वाला है दिसंबर में। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है कैंडिडेट इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। अप्रॉक्स 1.26 करोड़ कैंडिडेट इस बार अप्लाई किए थे, उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी जो है मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला दिया गया है उसके ऊपर कुछ डिटेल्स मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको जानना बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम। तो आपको एग्ज़ाम से पहले कुछ इस तरह की जो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला दिया जाते हैं उसको जो है आपको पता होना चाहिए। RRB is going to conduct examination for the non-technical popular category recruitment in December after a long time. तो RRB की तरफ से ये जो है लॉन्ग टाइम के बाद एग्ज़ाम देने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को ग्रुप डी एंड ग्रुप ई के जो है एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को 28th of December में यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोगों को बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के जो अपडेटेड दिया गया है यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो जो जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने वाला उसको मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, जाने से पहले इसको जो है एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में दिया जा रहा है कि कौन से कैंडिडेट के कितना जो है यहाँ पे नंबर ऑफ कट ऑफ मार्क्स, इसके साथ साथ आप लोगों को जो है रॉन्ग चोक मल्टीपल करेक्ट चॉइस करेक्ट आंसर एंड स्किप क्वेश्चन आंसर रॉन्ग आंसर के ऊपर कितना जो है यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसमें जाके आप लोग जो है चेक कर सकते हो। जनसत्ता के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें यहाँ पे दिया जा रहा है, तो इसका ही लिंक आपको नीचे दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग जो है क्लिक करके इस पेज में और भी बहुत डिटेल से जो है आप लोग देख सकते हो।